नमस्कार दोस्तों, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। फेसबुक पर राजनीतिक प्रचार प्रसार करना आज के दौर में एक आम बात हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां फेसबुक पेजेस का हवाला देकर अपना राजनीतिक प्रचार प्रसार करती हैं। ऐसे ही कुछ पेजेस में से एक जाना माना पेज है जय मोदी राज। जय मोदी राज के फेसबुक पर 14 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यह पेज सांप्रदायिक नफरत और दुष्प्रचार फैलाता है। तो आइए जानते हैं यह पेज कैसे दुष्प्रचार फैलाता है। जय मोदी राज ने यह दावा किया था कि 2015, 2016 और 17 में भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन नहीं लिया था। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने आपको बताया था कि भारत सरकार ने कैसे इन 3 सालों में 96,000 अमेरिकी मिलियन डॉलर से अधिक की लोन ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोशॉप की हुई तस्वीर का हवाला देकर इस पेज ने यह दावा किया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ रहा है। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी को फोटोशॉप करके रख दिया गया था। इसी पेज ने इंडियन आर्मी जनरल बिपिन रावत के नाम से एक वायरल कोट साझा किया था। हालांकि दूसरे ही दिन इंडियन आर्मी के अधिकृत फेसबुक पेज ने इस दावे का खंडन किया था। इस पेज के कारनामे सिर्फ दुष्प्रचार तक ही सीमित नहीं है, यह पेज सांप्रदायिक नफरत भी फैलाता है। दोस्तों, एक ऐसा उपाय लाया हूं जिससे देश के सारे मुस्लिम देश छोड़कर भाग जाएंगे। पूरे देश में वंदे मातरम बजाओ और मुस्लिम समुदाय देश छोड़कर भाग जाएगा। बस कुछ ऐसे ही शब्द इस फेसबुक पेज द्वारा साझा किए गए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, यह फेसबुक पेज पैसे देकर अपने पोस्ट स्पॉन्सर करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि यह पेज चलाता कौन है और यह पैसे कहां से आते हैं। ऑल्ट न्यूज द्वारा की गई पड़ताल में बहुत सारे नाम सामने आए हैं, जिनमें से पहले हैं सचिन पटेल, जिनके नाम का स्टैम्प जय मोदी राज द्वारा की गई बहुत सारी पोस्ट पर देखा जा सकता है। उनके ट्विटर हैंडल पर वे साफ साफ बताते हैं कि वे जय मोदी राज के लिए काम करते हैं। दूसरे हैं राजेश सोनी, जो एक फेसबुक पोस्ट पर खुद ही बताते हैं कि वे जय मोदी राज के एडमिन हैं। तीसरे हैं भाविन पटेल। भाविन अपनी फेसबुक बायो में खुद बताते हैं कि वे बीजेपी आईटी सेल और आरएसएस के मेंबर हैं। भाविन की प्रोफाइल से टीम मोदी राज के कई और नाम सामने आए हैं, जिनमें गौरव पटेल, मनोज गुलानी, नेहा पटेल और मेहुल पटेल का नाम शामिल है। नेहा पटेल अपने आप को गौ रक्षक कार्यकर्ता बताती हैं और एक बार एनडीटीवी की डिबेट पर पैनलिस्ट के तौर पर आ चुकी हैं। मेहुल पटेल राजेश सोनी की ही तरह अपने आप को एडमिन बताते हैं। बस इन्हीं लोगों से बनता है जय मोदी राज नाम का परिवार, जो दिन रात सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाता है। लेकिन इन सब नामों के बीच अगर आप हमारा सवाल भूल गए हों तो एक बार फिर याद दिला दूं कि यह दुष्प्रचार के कारोबार को चलाने का पैसा कहां से आता है।